अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग। पसंदीदा कुकिंग में आप सबका स्वागत है। हम बनाने वाले हैं चिकन आलू टिक्की। चिकन आलू टिक्की बनाने के लिए हमें ये सब सामग्री की ज़रूरत है। बॉयल चिकन, बॉयल किए हुए आलू, हरी मिर्ची चॉप की हुई, चिकन मसाला, अंडे, चाइनीज़ नमक, हल्दी पाउडर, पुदीना, हरा धनिया, नमक। बाउल में आलू डालकर अच्छे से मैश कर लें। अब इसमें चिकन डालें, चिकन मसाला, चाइनीज़ नमक, नॉर्मल नमक, हरा धनिया, पुदीना डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। फ्राई पैन में थोड़ा सा तेल डालकर, हरी मिर्च डालकर हल्का सा तल लें, हल्दी डालकर मिला लें, चिकन और आलू का मसाला डालकर अच्छे से मिक्स कर लें और गैस की फ्लेम बंद कर ठंडा होने के लिए रख दें। चिकन आलू का मसाला ठंडा हो चुका है, हाथों में थोड़ा सा तेल लगा ले ताकि मसाला आपके हाथों में चिपके नहीं। चिकन आलू की गोल टिक्की बनाकर सूजी में डीप कर रखे, सारी टिक्कियाँ ऐसे ही बना ले। चिकन आलू की टिक्की को अंडे के घोल में डीप करें और हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई कर लें। सभी को पसंद आने वाली चिकन आलू की टिक्की तैयार है। इसकी रेसिपी बहुत आसान है, इफ्तार पर इसे ज़रूर बनाएं और गर्मा गर्म परोसें। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।